हेलो हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल यू हैप्पी पीपल। टुडे वी ब्रिंग यू अ गन दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, अ वंडरफुल वंडरफुल गन बाय जेम्स पर्डी एंड सन्स, द फेम्ड गन मेकर्स फ्रॉम लंदन, पेट्रोनाइज्ड बाय द रॉयल्स अराउंड द वर्ल्ड। साइड बाय साइड सेल्फ ओपनिंग गन्स बाय पर्डी are the pride and joy of every sportsman since the late 1800s and are absolute classics. So another one from the armory of Nawabzada Rashid Zafar Khan Bhopal. I will show you the gun up close and personal shortly. It carries the initials surprisingly over here of Nawabzada General Muhammad Ubaidullah Khan of Bhopal. The gun epitomizes balance and it's a fast moving gun. You know, it's just a beauty. It's light, the engraving, the checkering, the stock, everything is just beautiful. I don't know how many times will I use beautiful to describe this gun. Most purdies, actually, the engraving was not done by Purdy. It was done by another engraver who left his mark. This one, somehow, it appears that they haven't left the initials, but the styling, as explained to me, is that of Ken Hunt's for this particular gun. It is amazingly light to handle. It's just an absolute beauty. So just to show you the gun up close and personal, the checkering is just beautiful. The stock has all the grain. The engraving on this gun is just absolutely beautiful. If you see carefully, it's got a peacock engraved over here. Moving on to the checkering, and there you have it. I'll turn the gun around. The safe has the face of a devil, and then all the engraving, it has the Muhammad Ubaidullah Khan initials over here. The fences is just a fabulous gun. Is to show you, made by James Purdy. From the side again, it's really beautiful. Turn it on the side, you can see the engraving here as well. It's absolutely beautifully done on the stock on this side as well. Essentially, this gun has all five features required to qualify as London's best. तो साहब आज का किस्सा है वाइस रॉय और वाइस रीन की भोपाल विजिट का। जाहिर बात है वाइस रॉय आ रहे थे तो हिजाइनेस से लेकर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी नर्वस, और इसको सक्सेसफुल करने के लिए बिल्कुल मतलब दे ऑन द एज। और हिजाइनेस ने अपने नेफ्यू रशीद मियाँ साहब मियाँ हुजूर को वाइसरॉय के शिकार का इंचार्ज बनाया। उन्हीं की शिकारगाह में, उनकी शिकारगाह का नाम था राजा बांदा, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, राजा बांदा मतलब राजा के लिए बांदा। वहाँ पे बेहतरीन औदी थी जहाँ पे जानवर बनते थे और शेरों की तादाद बहुत थी। तो राजा बांदा को इसलिए चुना गया, दो चीज़ें, एक भोपाल के बहुत पास था, 8 किलोमीटर से 9 किलोमीटर, तो 20 मिनट से आधे घंटे में आप वहाँ पहुँच जाते, और दूसरा जब भी कोई वीआईपी भोपाल आया था और राजा बांदा ले जाया गया, वो जगह ने कभी फेल नहीं किया। तो साहब हिजाइनिस ने एक एक डिटेल खुद से खुद देख रहे थे, और राजा बांदा पे एज यूजुअल मियाँ हुजूर के शिकारी यासीन खान को भेज दिया गया था। यासीन खान अपने 9 साल के बच्चे के साथ वहाँ वादी पे बैठे हुए थे गोदा बांध के,
वो देखे जा रहे थे, वो बच्चे को बाहर बिठा दिया था कि कोई अंदर नहीं आए। साइनिस बहुत नर्वस हो रहे थे, तो गाड़ी उठाई स्टेट बैंकवेट के बाद और सीधे राजा बांदा गए। वो गए तो साहब उनको 9 साल के बच्चे ने रोक लिया कि कहाँ जा रहे हो। तो साइनिस ने कहा क्या मतलब, कहले कहाँ जा रहे हो, कहले मैं वहाँ जा रहा हूँ ओहदे पे। तो कहले नहीं साहब, यासीन खान ने कहा कोई नहीं आ सकता। तो एजाइनस के एडीसी भागते हुए आए, कहते क्या कर रहे हो, एजाइनस भोपाल है, पूरा शहर इनका है, स्टेट इनका है। तो खैर उसने जाने दिया और ये कहने लगा खैर मैं जाने दे रहा हूँ, डांट मुझे ही पड़ेगी। एजाइनस गए यासीन के साथ, यासीन खान के साथ बैठे, कहा क्या हुआ, कहने लगा कुछ नहीं, एक आवाज़ तक नहीं आई है। खैर एजाइनस ने कहा लगे रहो, और फिर यासीन खान से कहा कि मैं आपके बेटे से बहुत इम्प्रेस हूँ, बिल्कुल सही किया उसने। एजाइनस एट सम Sometimes was a sport. So खैर एजाइनस वापस गए, उनकी नर्वसनेस इतनी थी, जाते जाते कह गए कि मैं अपने सेक्रेटरी को वापस भेज रहा हूँ कि जैसी गारा हो तो मुझे फौरन फ़ोन किया जाए, उसी हिसाब से ये तय होगा कि हम कहाँ आएंगे। क्योंकि पौधे कचनारिया पे भी बने थे और चिकलौत पे भी, पर क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा था, उनकी प्रेफरेंस थी कि राजा बांदा पे ही काम हो जाए। तो एच ने साहब अपने सेक्रेटरी को भोपाल पहुँच के वापस भेजा। 2:30 बजे सुबह सेक्रेटरी पहुँचे, ठंड बहुत हो रही थी। यासीन खान ने अपने बच्चे से कहा उनको आके रौदी में बैठने दो, बैठे रहे 3:30, 4:30, 5:30, 6, कुछ नहीं, सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा। 7 बजे के आसपास साहब पहले बंदर की आवाज़ आई, ये समझ में आ गया कि शेर चल रहा है। और फिर वो जंगल में टक 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 बंदर हगने लगता है, जब शेर आता है तो थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ा और साहब वो थिकेट में से निकल के वो शेर ने ऐसे देखा एक बार, यूं करके आगे गया, बोधे को देखा, खड़ा रहा थोड़ी देर, झट से उसने बोधे की गर्दन पकड़ी, बुधे को गिराया, थोड़ा सा खींचा और उसके पुट्ठे को थोड़ा खाया। अब एक्साइटमेंट का यासीन खान और सेक्रेटरी का, यासीन खान ने गोली मारी, सेक्रेटरी धीरे से निकले गाड़ी में बैठे और स्ट्रीट वापस भोपाल आए। शमला कोटी पहुंच के एजाइनस को फ़ोन किया तो उनके मिलिट्री अटैचे ने उठाया, कहने लगा गारा हो गया, एजाइनस को फौरन आए। तो एजाइनस उस एक्साइटमेंट में एजाइनस ने फ़ोन लिया, कहने लगा गिव द फोन टू एजाइनस, तो कहने लगा दिस इज एजाइनस, तो कहने लगा गारा हो गया, कहने लगा आर यू श्योर, तो उन्होंने कहा आई एम श्योर, बस कहने लगा वी विल बी देयर इन 2 आवर्स एग्जैक्ट, गेट द बी हाके वालों को तैयार कर लो, वी आर कमिंग। तो साहब सेक्रेटरी फुल स्पीड पर राजा बांदा वापस गए, उन्होंने हाके वालों को इकट्ठा किया, एक दो जूनियर शिकारियों को बुलाया और साहब ये जब सब हो गया तो यासीन खान के पास गए। यासीन खान थोड़े पजल लग रहे थे, तो सेक्रेटरी ने पूछा क्या हुआ, तो यासीन खान कहने लगे ज़िंदगी में पहली बार ऐसी चीज़ देखी है। तो कहने लगे क्या हुआ, कहने लगे शेर ने थोड़ा सा बोधे को खाया और वो थोड़ा ऊपर जाके बैठ गया, और कहने लगे बोधा उठ के खड़ा होकर शेर को देख रहा है और ये ऐसे बैठे हुए मगर शेर कुछ कर नहीं रहा है। अब सेक्रेटरी कहने लगा मैंने तो एजाइनस से कह दिया कि किल हो गया, शेर ने बोधे को मार दिया, अब मैं क्या करूँगा। यासीन खान कहने लगा मैंने भी साहब ये पहली बार देखा है, मगर अपन हाके वाके की तैयारी कर लेते हैं, शेर तो है ही, ये तो मालूम है। तो सेक्रेटरी कहने लगा बड़ा एम्बेरसिंग मोमेंट हो गया है कि वो आएंगे और बोधा भी खड़ा हुआ है, शेर भी बैठा हुआ है। साहब एजाइनस वाइसरॉय वाइसरी मियां हुजूर पहुँचे वहाँ, तो श्योर इनफ सेक्रेटरी ने उनको रिपोर्ट दी कि ऐसा हो गया। एजाइनस ने वाइसरॉय को बताया और दोनों हंसे और फिर उन्होंने कहा कि मचानों की तरफ गए, सब बैठा दिए गए, मियां हुजूर ने पहले से पूरा इंतज़ाम किया था, वाइसरॉय वाइसरी एजाइनस शिकारी मियां उनके बड़े भाई सईद मियां सब मचानों पे अब सेटल हो गए और हाका शुरू। 10 मिनट हुए होंगे हाके में कि साहब शेर निकला, जैसे ही निकला एजाइनस ने वाइसरॉय को अलर्ट किया, चार्ज वाज नहीं कर रहा था, आराम से आ रहा था, वाइसरॉय ने एम किया और चलाई, और जैसे ही चलाई एजाइनस ने अपनी 240 एपेक्स कवर शॉट लेके वो टाइगर वहाँ पे गिर गया इमीडिएटली।
अब वो हाका चलते गया तो एकदम से ऐसा लगा कि एक और शेर है, लेकिन वो थी शेरनी, और वो शेरनी साहब एकदम से निकल के आई मचान की तरफ। तो वाइसरॉय ने एक शॉट लिया, तो जैसे ही शॉट लिया तो गोली थोड़ी उतर के लगी, तो जैसी गोली उतर के लगी तो शेरनी ने पूरा यू टर्न किया और बीटर्स मतलब हाके वालों की तरफ चली। जैसी चली हिजाइनस की पोजीशन नहीं थी, तो हिजाइनस ने जब तक किया और चलाया तो वो भी गोली उतर के लगी और वो शेरनी जंगल में गायब हो गई। सो जैसे ही शिकारियों को ये लगा कि शेरनी मुड़ के हाके वालों की तरफ चली गई है, तो इमीडिएटली मचान से सब उतरे, हिजाइनस, वाइसरॉय, मिलिट्री अटैचे, मियाँ हुजूर और सईद मियाँ, एंड पैदल शेरनी के पीछे जाना शुरू किया बंदूक लेके। तो जैसे ही पास पहुंच रहे थे तो शेरनी जो हाके वालों की तरफ गई थी एक चट्टान के पीछे आके बिल्कुल चार्जिंग पोजीशन में यूं बैठी थी। तो जैसे ही ये लोग वहां पहुंचे मतलब वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना यूं कूदने ही वाली थी कि सईद मियां ने देख के उसमें सीधे आंखों के बीच में जो चलाई है, तो एक करके शेरनी भी वहीं रह गई। तो शेर शेरनी दोनों मर गए, लेकिन हाके वाले फिर भी चले आ रहे थे। उसी टाइम ये मुड़े तो इनको दो अच्छे खासे शेर के जो कब्ज होते हैं पट्टे, वो जाते हुए देखे। सबके सबको थोड़ी खुशी हुई कि दोनों कब्ज बच गए हैं और द हंट इज़ ओवर। उसी टाइम वाइसरॉय ने बोधे को देखा जिसका पीछे से खाया हुआ था, और मियाँ हुजूर से कहा कि इसको प्लीज़ ख़त्म कर दें, ये बहुत पेन में होगा। तो मियाँ हुजूर ने उसी टाइम बोधे के भी गोली मार के उसको ख़त्म किया। तो वाइसरॉय साहब भी बहुत खुश थे, ये उनका पहला शेर था जो उन्होंने मारा था, पहला बिग गेम। ही हैड अ बिट ऑफ अ लिंप ऑल्सो। फिर उनको बहुत क्यूरियोसिटी थी कि हाका कैसे होता है, तो जाके उन्होंने पूरा हाका समझा किस तरह से होता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, हाको वालों से बातें करी, उनके लिए काफ़ी बड़ा इनाम भी छोड़ा। टैक्सीडर्मिस्ट और पोस्टमार्टम करने वो आए तो उन्होंने बताया कि वाइसरॉय की भी दोनों गोलियां लगी थी, शेर को भी, शेर के तीसरे रिब में लगी थी, शेरनी की थोड़े उतर के लगी थी। इन द एंड मतलब वाइसरॉय एंड वाइसरीन बोथ बहुत ही बहुत खुश थे विद द भोपाल विजिट। तो साहब वो इस वाइसरॉय इतने खुश थे कि उन्होंने एक मेडल यासीन खान के यहाँ पिन किया उनकी बहादुरी और उनकी नॉलेज की वजह से। एंड मियाँ हुजूर की शिकारगाह राजा बांधा अगेन लिव्ड अप एंड प्रोड्यूस्ड अ टाइगर फॉर अ वीआईपी विजिट। तो ये थी कहानी वाइसरॉय और वाइसरीन के टाइगर और टाइग्रेस की। आई होप आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब दबाइए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हम आपको ये स्टोरियाँ लाते रहेंगे। आपके पास कोई हो तो कमेंट में डालिए, एंड वी विल गेट इन टच विद यू, एंड आप अपनी स्टोरी खुद नरेट करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये स्टोरियाँ कैटलॉग हों फॉर फ्यूचर जेनरेशन। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग, प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग, एंड वी विल कीप एंटरटेनिंग यू। आदाब आदाब, एंड हैव अ लवली लवली आफ्टरनून ऑल यू हैप्पी पीपल।